स्पोर्ट्स तक 8 PM एजेंडा में स्वागत है आपका। 3-0 से भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली है और जिस तरीके से क्रिकेट देखी है दोनों टीम्स की तरफ से, भारत जो पूरी तरह से हावी रहा है न्यूजीलैंड पे, अब पूरा लग रहा है कि क्लीन स्वीप होगा दौरा। जिस तरीके से पिछली बार भारत न्यूजीलैंड में एक भी मैच जीत नहीं पाया था, चलिए ये था कम से कम भारत ने एक मैच ट्राई किया था, लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरीके वो क्रिकेट खेल रही है लग नहीं रहा किसी भी मैच में वो टक्कर दे पाएगी भारतीय टीम को। लेकिन इससे बढ़कर हम बात ये भी करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है कि लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में खास तौर पर भारतीय टीम के सामने कोई भी टीम जो है काफ़ी पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। एक हद तक इंग्लैंड ने उन्हें टक्कर दी, लेकिन उसके अलावा आप साउथ अफ्रीका देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, अब न्यूजीलैंड देखें, तो कोई भी टीम इंडियन टीम को टक्कर नहीं दे पा रही है। मदन सर साथ में, विक्रांत सर और अतीत सर साथ में। मदन सर, सबसे पहले क्या ऐसा चेंज हुआ है ODI क्रिकेट में भारतीय टीम के लिहाज से? हम लगभग लगातार बात तो करते थे टॉप थ्री की, लेकिन एक बॉलिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर बन के नजर आई है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है मैं समझता हूँ कि बॉलिंग, क्योंकि देखिए जब आपके पास बॉलिंग होती है तो आप मैचेस ज़्यादा ही जीते हैं। और हम हमेशा कहते रहे हैं कि बॉलिंग ही है जो आपको मैचेस जिताती है, क्योंकि आपका अटैक जो है इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि बहुत बैलेंस अटैक है, पेस बहुत ज़बरदस्त पेस है जिसमें आपको वो विकेट से निकाल कर दे रहे हैं, उसके साथ आपके पास टॉप के क्लास के जो स्पिनर हैं मिडल में आकर करते हैं 20 ओवर, मैं कहूँ उसका ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और हमारी बैटिंग ओवर द ईयर्स जो कि बैटिंग को थोड़ी मैच्योरिटी लगती है, तो बैटिंग भी काफ़ी मैच्योरिटी दिखा रही है। और उसमें कई देखिए कई ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं, यू नो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ये किसी भी देश के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उनसे कम नहीं है ये। और ये अपने ही बलबूते पे जो है वो मैच जिता सकते हैं। और नीचे हम अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी, जो कि यू नो सब दुनिया में जानते हैं कि ये ग्रेट फिनिशर है, यही एक चेंज हुआ है। दूसरा चेंज है कि आपकी जो फील्डिंग है वो बहुत अच्छी, फिटनेस लेवल बहुत स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। और ये सारा जितना भी मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है ये विराट कोहली को जाता है, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है कि ये मेरे को फिटनेस लेवल के पैरामीटर चाहिए। और बाकी देखिए फील्डिंग के बाद रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए, और आज भी उन्होंने, मैं जब कमेंटर उनके, उन्होंने स्पिनरों को एक रन एक भी गेंद जो है ऊंचा नहीं मारा और नीचे सिंगल पे खेलते जाए। गेम प्लान जो जब आपके पास हाथ में है तो आपके 90% चांसेस है वो आपके मैच के जीतने, क्योंकि मैच को स्कोरबोर्ड के हिसाब से चलाना और देखना वो बड़ा ज़रूरी रहता है। और किस वक्त पे आप बॉलिंग की चेंजेस करते हैं और वो भी बड़ा जरूरी है कैप्टन के लिए। एंड कैप्टन देखिए फ्रंट पे परफॉर्म भी कर रहा है, मैच्योरिटी भी दिखा रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो डिसीजन लिए गए हैं, ऐसे डिसीजन बहुत कम कैप्टन लेते हैं। मोहम्मद शमी को वनडे क्रिकेट में लेकर आना, अश्विन जडेजा को उस टाइम बाहर करना, हाँ अश्विन को और दो रिस्ट स्पिनर को लेके आना, और मिडल ऑर्डर में केदार यादव को लेके आना समथिंग डिफरेंट। तो ये सब चीज़ें बड़ी पॉजिटिव मेरे को दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए टीम मैनेजमेंट के बगैर होता नहीं है ये, नहीं तो नॉर्मली हम इंडिया में नहीं यार इसको नहीं ड्रॉप करना, ये ऐसे है चाहे वो 40-50 रन बनाता रहे, पर अब ये हो गया है कि हर खिलाड़ी जो है, सबसे अच्छी बात क्या हुआ है, हर खिलाड़ी जो है वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह ढूंढ रहा है। एक जब इंसान सारे फैसले लेता है ना तो उसका नुकसान भी होता है, और एक इंसान फैसला लेता है उसका कभी कभी फायदा भी होता है। ये तो आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट एक ही आदमी चला रहा है, BCCI भी एक ही आदमी चला रहा है, वही आपकी टीम के कप्तान भी हैं, वही सिलेक्टरों से बड़े भी हैं और वही कोचिंग स्टाफ से ऊपर भी हैं। विराट कोहली ने जो भारतीय क्रिकेट में फैसला करना है वो होता वही है। इसका नुकसान भी हो सकता है, इसका फायदा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल वनडे क्रिकेट में उसका फायदा हो रहा है, बिकॉज समहाउ विराट का एक विजन है, जो पाजी ने भी कहा एक विजन है, मेरे विजन में जो प्लेयर नहीं आता वो टीम से बाहर। उस वक्त हम लोग भी कहेंगे यार देखो इस प्लेयर के साथ अच्छा नहीं हुआ, पहले यो-यो टेस्ट को लेकर भी काफी चीजें हुई थी। नहीं वो आज आप वहां पे पहुंचे हैं ना उस मुकाम पे, कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है। अगर टीम नहीं जीते तो कैप्टन की सबसे पहले गर्दन आगे कटती है वो, और उसके बाद कोच की पहले फिर कैप्टन, ये सब। और मैं समझता हूँ कि जो आपने कहा बिल्कुल, कई बार डिसीजन बैकफायर कर जाते हैं, जो बैकफायर किए हुए डिसीजन है वो आपको सिखाते हैं बिल्कुल कि आप मैंने यहाँ गलती की है। विराट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखी है पाजी, बिल्कुल अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया टूर से वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखी है, साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में वो इतने फ्लेक्सिबल थे नहीं। और होता है आप गलतियों से ही सीखता है इंसान, लेकिन वक्त पे सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए कई ऐसे मुल्क हैं जो वर्ल्ड कप को उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी हम हिंदुस्तान में देते हैं। हमारा 4 साल का साइकिल वर्ल्ड कप से शुरू होता है, वर्ल्ड कप पे आके खत्म, हम कहीं पे हारे कहीं पर जीते वो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप में जीत और वर्ल्ड कप में हार
ये दो धारी तलवार डिसाइड करती है, कप्तानी डिसाइड करती है। आप कई लोग ये भी कहेंगे कि क्या आप वक्त से पहले पीक कर रहे हैं, मेरा मानना नहीं, आप वक्त से पहले पीक नहीं कर रहे हैं। आपकी टीम इस वक्त दुनिया में एक या दो टीमें ऐसी हैं जिनके पास 15 की दिक्कत यह है कि बाहर किसको रखे। अभी भी इसमें से हो सकता है आपको कोई बैट्समैन छोड़ना पड़े, इसमें से हो सकता है ऋषभ पंत अंदर नहीं आ रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो कई ऐसे हैं आपके पास तो है ना विकल्प, हो सकता है आप जडेजा को छोड़ के जाएं, आपके पास विकल्प हैं जिनको आप छोड़ के जाएंगे। बाकी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं कि 15 इकट्ठे कैसे करें। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार जो एक इंसान का जुनून होता है, जो इमरान खान में था फॉर एग्जांपल, इमरान खान भी डिक्टेटर थे, वन मैन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके सामने कुछ नहीं था, सिलेक्टर वहां के कुछ नहीं थे, उनके कोच कुछ नहीं थे, प्लेयर कुछ नहीं थे, वो इमरान खान। लेकिन भाई उसका नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा ये हुआ उनकी सिंगल माइंडेड डिवोशन थी, मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, तो वर्ल्ड कप जिता दिया उन्होंने। कई बार ऐसा भी होता है। और विराट इस वक्त आई थिंक ऑल द टीम्स सारे कप्तानों में सबसे बेटर प्लेस्ड है। और वर्ल्ड कप से पहले नॉर्मली हम देखते हैं कि भारत जब फॉरेन टूर्स करती थी तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड हमें हार मिलती थी। इस बार हम ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, इंग्लैंड छोड़िए आप, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हमने प्रदर्शन किया है, ऑब्वियसली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स हैं इस साल वर्ल्ड कप के। लेकिन मदन जी ने जो कहा और जो मनोज ने भी कहा, जो अगर आप लिस्ट देखें पॉइंट्स गिने कि क्या क्या हम किस वजह से जीत रहे हैं, मदन जी को अगर बॉलिंग उन्होंने कहा एक बाइफरकेट करें, हम पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं सबसे बड़ी बात है, पहले भी झटके दे रहे हैं, और मिडिल ओवर्स में जो हमारे कुलदीप और चाहल विकेट निकाल रहे हैं, मिडिल ओवर्स में भी विकेट ले रहे हैं, जो कि हमें पहले को देखने को नहीं मिलता था। तो हम एक तो ये कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जो टॉप ऑर्डर हमारे तीन जो हैं वो ऐसे हैं कि रन तो बनाने बनाने उन्होंने, और अगर खुदा ना खास्ता बीच में जब हमें हो रहा था कि वो फ्लॉप हो जाते हैं तो नीचे लाइन लग जाती है। अब महेंद्र सिंह धोनी के आने से जो धोनी ग्लू की तरह आए, लेकिन अतीत मेरा अभी भी मानना है अगर इस टीम की कोई कमजोरी है तो अभी भी मिडिल ऑर्डर ही है वो, क्योंकि अभी देखिए आप टेस्ट कहां पे हुए हैं, आप 4 रन पर 3 आउट हुए तो उस दिन आप जीत नहीं पाए हो। तो ऐसा नहीं कि आप हर बार 4 रन पर 3 आउट होंगे, लेकिन आप 25-3 आउट हो सकते हो, 50-3 आउट हो सकते हो, तो उस तरह की सिचुएशन इतनी आई नहीं है। अभी भी महेंद्र सिंह धोनी का वो तजुर्बा, उनका वो टच, उनका वो जज्बा काम आ रहा है टीम के, बट अभी भी मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर पर आंख मूंद के अभी भी आप रिलाई नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि टॉप थ्री तो आपके 4 साल से ताकत है, बिल्कुल वही टॉप थ्री तो है ही है, लेकिन जिस दिन टॉप थ्री नहीं चलते हैं उस दिन क्या होता है। और अभी भी जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं ना, आपको लीग मैचों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये फॉर्मेट ही ऐसा है। बेस्ट 4 टीमों ने जाना नॉकआउट, उसके बाद 2 मैच है, एक सेमीफाइनल और फाइनल, तो उस दिन बरसात नहीं होनी चाहिए। बरसात का मतलब उस दिन 4-3 आउट, और इसीलिए अंबाती रायडू बड़े क्रिटिकल हैं टीम के प्लान के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से विराट ने भी कहा कि अगर अंबाती रायडू जैसे कि अभी बैटिंग आज उन्होंने करी अगर वैसे करते हैं तो फिर जो नैया पार भी लग सकती है, धोनी है वो कर रहे हैं, और आपके बैकअप के लिए तो दिनेश कार्तिक वहां पर रहे हैं। देखिए अभी तक तो हम सोच ही रहे हैं यही होगा मोरल, जितने भी प्लेयर आपने गिनाए हैं तीनों, तो ये है कि अभी मेरे विचार में कि मोरलनेस सेट है काम। और जो आपने कहा ना पीक वाली बात, ये पीक नहीं है, ये हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है। पीक का वो कोई मतलब नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आप जीत के ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, हारे जब हारते हैं ना तो ऊपर से नीचे इसको लगा लो, इसको खिला लो, इसको खिला लो, चाहे ये हो जाए, वैसे फिर टीम टूट जाती है। अब अगले 2 मैचेस जो हम बात करते हैं कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, 5-0, बट विराट कोहली एक फैक्टर, कप्तान नहीं होंगे सर, अब जिस तरीके से क्रिकेट देखने को मिली है, मैं तो 4-1 वाला था, तो मैं 4-1 वाला था, ये बता दो कौन सा वाला, क्योंकि हम सबने पर्चा, रोहित शर्मा तो वैसे छोड़ते नहीं है, रोहित शर्मा तो वैसे ही जीत के बात पलट दी ना, क्योंकि सर भी 3-1 वाले थे ना, इसलिए शायद बात 3-1 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, 4-1 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड, 3-1 कहां से, 3-2 था ना, अरे फेवर ऑफ इंडिया, नहीं जो मर्जी लिख दो आप, जो मर्जी आप, अभी से बात कर रहे थे इंसान गलतियों से सीखता है, तो मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे कुछ डिसिप्लिन बैकफायर कर दे, ये सीख नहीं रहे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार ऐसी आ जाती है आपके कोचेज, आपके वीडियो नॉलेज, आपको गेम प्लान ही नहीं है उनके पास। आप अगर हम तो आप जाके ऐसा लग रहा है जाग रहे हैं, अब थोड़ा बहुत जाग रहे हैं क्या। देखिए आपको गेम को कई बार आपको ना गेम को स्लो करना पड़ता है। स्लो का मतलब है कि आप शुरू शुरू में अगर जो आपकी वीकनेस है कि हाँ यार हाँ भाई विकेट गिरते हैं, गिर रहे हैं,
तो वहाँ पे आपको एक ऐसा काम करना पड़ेगा न्यूजीलैंड को कि जहाँ पे यार 10-15 ओवर आराम से खेलो, 60-70 भी हो जाए तो बहुत ज्यादा है। पहले 5-0 या 4-1 या 3-2? 4-1 हो सकता है। 4-1 हाँ। मनोज, इंडिया? मुझे तो 5-0 ही लग रहा है। अतीत? 4-1। मैंने लिखा तो 4-1 था, बड़ा 5-0 ही होगा। चलिए अब एक बारी सबसे मैं ही जाना चाहूंगा, नंबर 3 पर कौन? विराट कोहली तो आ जाएंगे वापस। अगले दो मैचों में आप नंबर 3 शुभमन गिल को खिलाना चाहेंगे, जो विराट ने इतनी तारीफ की है वो जरूर आप देखिए, या फिर आप अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक दोनों को, प्रोवाइडेड कि धोनी वापस आ जाए? नहीं देखिए, दिनेश कार्तिक को मैं खिलाना चाहूंगा क्योंकि उसको अदरवाइज फिर शुभमन गिल को देना तो उसका काम नहीं, फिर उसकी जगह आप ऋषभ पंत को ले आइए अंदर। वो तो है नहीं टीम में, नहीं है वो तो, टीम में नहीं है, पर अंदर वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, तीन पे उनको दे, मतलब ये कहना है कि जो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स, हां उनको खिलाएं। मेरा भी यही मानना है कि अंबाती रायडू और दिनेश कार्तिक दोनों खेलेंगे। अब हो सकता है अंबाती रायडू नंबर 3 हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि महेंद्र सिंह धोनी फिट है या नहीं। हां जी, ये भी, अगर धोनी फिट नहीं है फिर तो ऑब्वियसली शुभमन गिल खेलेंगे, परसों चौथी है तो शुभमन गिल खेल जाएगा। बाकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन सीरियस तो नहीं हो जाती है? स्ट्रेन तो स्ट्रेन है, लेकिन हैमस्ट्रिंग जब साथ लिखा आ जाता है ना, डर लगना शुरू हो जाता है। डर नहीं लगने वाली बात है, ये खिंचने वाली, अगर खिंच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। अगर टेयर कर गया फिर तो टेयर का छह हफ्ते चले जाते हैं। अच्छा, क्या है, आईपीएल भी आ रही है ना, बंदा प्रिकॉशन लेता है। मेरे को नहीं लगता कि टेयर होगा, टेयर होता तो एकदम बहुत बहुत आवाज। कोई ऐसा प्लेयर आएगा, जैसे हम कई कुछ महीने पहले आप भी बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप जब आता है पास में तो एक ऐसा खिलाड़ी आता वो है, वो इंजरी के केस में होगा। नहीं नहीं, वो खिलाड़ी अब कौन होगा? अब कोई है? अब कोई बाहर से तो आना नहीं है, यही जो आपने कभी ऋषभ पंत का नाम ले लेते हैं या कभी शुभमन गिल भी दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आते, यही एक दो प्लेयर है। नहीं, दो प्लेयर है सिर्फ, एक जडेजा का आपको देखना है, आपको ऋषभ पंत, वो क्या नाम है, पेसर क्या नाम है, जसप्रीत बुमराह, नहीं, और ऋषभ पंत खत्म। ये कह रहे आउटसाइडर कोई बाहर से अंदर आ जाएगा, आउटसाइडर लागे मार खानी है सिलेक्टरों ने, ऑलरेडी ऑलरेडी दरवाजा इतना वो आपने वो कर दिया है। खैर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्पोर्ट्स तक को ऑफिशियली, हमने ऑफिशियल नहीं, सॉरी, इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे आप शायद, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। साथ ही साथ आपने चूंकि कहा था, आज देखिए इतने काम के बावजूद वो क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने और मनोज ने किया है, जिसमें आपके ट्विटर पर भेजे गए सारे सवालों का हमने जवाब दिया है, वो भी डल चुका है। हाँ। और पाजी भी देखिए थके हुए हैं, तो फिलहाल आज आपसे इजाजत ले लेते हैं, बट स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एजेंडा का टाइम बड़ा कम कर दिया आप लोगों ने, 15-20 मिनट, लेकिन दिन में हम कई बार आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप कहो कल से हम 40 मिनट पर हमारा बैन हट जाए, उसके बाद उसका क्या करने वाला, वो बैन हमारा उसी मिनट रहा। चलिए मिलते हैं, टाइम लगेगा, गुड नाइट।